थाना बानपुर परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। आगामी पर्व चहल नवरात्रि व दशहरे को लेकर की गई त्योहारों की समीक्षा। आज थाना बानपुर परिसर में उप जिलाधिकारी मेहरोनी रवि प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी मेहरोनी केशव नाथ जी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी पर्व चहल नवरात्रि व दशहरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई। वह त्योहारों को मनाने के विषय में शासन के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया। सभी लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मेहरोनी ने कहा कि आप सभी लोग परंपरागत तरीके से त्योहार मनाएंगे व किसी भी नए आयोजन को शुरू नहीं किया जाएगा व सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक तरीके से करें। अफवाहें ना फैलाएं, ना फैलने दें। प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन आपके लिए ही सारी व्यवस्थाएं बनाता है। इस अवसर पर CO मेहरोनी केशव नाथ ने कहा कि ललितपुर की गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल दी जाती है। यहां की एकता मिसाल है। त्योहारों के दौरान शराब का सेवन ना करें और विसर्जन के दौरान अधिक सावधानी बरतें। बच्चों महिलाओं को जल भराव वाली जगह से दूर रखें व शांतिपूर्ण त्योहार सम्पन्न कराएं। जिला पंचायत सदस्य बानपुर आशीष रावत, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष अरुण द्विवेदी, इस अवसर पर अधिकारी द्वय को कस्बे की समस्याओं, त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था और नमामि गंगे परियोजना में जो जगह जगह कस्बे के रास्तों को खोदकर संबंधित ठेकेदार ने छोड़ दिया है, बजर जर विद्युत व्यवस्था और जलापूर्ति के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आने वाले असामाजिक तत्वों पर भी जोर दिया गया। उससे होने वाली परेशानियों से अधिकारी द्वय को अवगत कराया गया, जिस पर अधिकारी द्वय ने शीघ्र ही निराकरण का भरोसा दिलाया। वीर सिंह राजपूत कुआं गांव व रामलीला मंडल अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित व जय किशोर श्रीवास्तव, मनोज पुष्पकारा, राकेश नामदेव सहित कस्बे व क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व पत्रकार बंधुओं सहित थाना अध्यक्ष बानपुर जयप्रकाश चौबे व पूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा। बानपुर से मनोज कुमार नामदेव की रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 18।